आज का हमारा टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, संविधान एक नज़र में। ठीक है, चलो एक नज़र में देख लिया जाए पूरे संविधान के इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, 6 मई 1952। 1952 में राज्यसभा का भी गठन हुआ था, परंतु वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, तो 6 मई को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा। ठीक है, ऐसे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में कि प्रथम लोकसभा का गठन यानी लोकसभा के गठन कब हुआ था। तो मैं एक ट्रिक इसमें बताना चाहूँगा, जैसे मैं आप लोग जानते हो कि राज्यसभा जो है लोकसभा से उच्च है। ठीक है, और लोकसभा निम्न है, निम्न सदन है, जिसमें इसकी गठन जो हुई थी वो 6 मई को हुई थी, यानी बाद में हुई थी, तो ये हुआ छोटा। ठीक है, आप लोग जन्म, जैसे कि आप मान लो कि आपसे पहले आपके बड़े भाई ने जन्म लिया होगा, तभी तो आपके बड़े भाई होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से राज्यसभा ने पहले जन्म लिया, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को जन्म लिया, और लोकसभा जो है 6 मई 1952 को जन्म लिया। ठीक है ना, इस तरह से याद रखोगे आप। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था कब। तो 9 दिसंबर 1946 को, और जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, और इससे जुड़ा एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा, जब 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी, पहली बैठक, उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। ठीक है, और इसके प्रथम जो अस्थायी सदस्य जो थे, अध्यक्षता जो की थी, वो कौन थे, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद में यहाँ पे 11 दिसंबर को ही, यानी 2 दिन बाद ही, एक और बैठक हुई थी, जिसमें जिसकी अध्यक्षता अस्थाई रूप से कौन किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था कब। तो 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, और इसे याद रखना है तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप कि स्वतंत्रता मिली थी भारत को कब, तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, और उसी के पहले वाले मंथ में 4 जुलाई को, अगस्त उसके बाद वाला मंथ है और उससे पहले वाला मंथ है क्या, जुलाई, जिसमें 4 जुलाई 1947 को अधिनियम पारित हुआ था स्वतंत्रता का। ठीक है ना, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आम बजट कब पेश हुआ था। तो 26 नवंबर 1947, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आम बजट, सबसे पहले आम बजट कब हुआ था भारत में, तो वो हुई थी 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था कब। तो 22 जुलाई 1947। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे में आपका स्वतंत्रता दिवस कब है, 15 अगस्त, उससे पहले वाले मंथ में 22 जुलाई को झंडे को अपनाया गया था। ठीक है, झंडे को अपनाया गया था, आप लोग ऐसे में भी करके याद रख सकते हैं, 22 जुलाई। ठीक है, और इसको झंडा का शेप दे दें, ठीक है, झंडा का इस प्रकार से, 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई 1947, आगे बढ़ते हैं। अगला है, योजना आयोग का गठन कब हुई थी। तो योजना आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये मैं आपको आसानी से इसका ट्रिक भी बताते चलूंगा कि किस प्रकार से याद रखना है। ठीक है ना, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, अब आगे 1951 को वित्त आयोग का, इसमें कंफ्यूजन रहता है, इस कारण से मैं एक क्वेश्चन को डाला हूं। ठीक है, 1952 में कब, किसका, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, आपको इसे याद रखना है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखा है, ध्यान से देखना आप, योबीरा, योबीरा। ठीक है, यो फॉर क्या, योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग हो गई है, और वित्त आयोग, उसके बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी सबसे पहले
योजना आयोग का गठन 1950 को, ठीक है। वित्त आयोग का कब, तो 1951 को, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का कब, तो 1952 को, ठीक है। यानी कि अपडेट कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है, ऐसे में डेट यहाँ दे रखा है, आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस कारण से मैं इसे अलग से दो क्वेश्चन करा रहा हूं। भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ कब, अंगीकृत जब पूछता है तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और उसी के 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को, यानी 2 महीने बाद, ठीक है, 49 से 50, लेकिन नवंबर से जनवरी तक, ठीक है, 2 महीने के बाद में क्या हुआ, उसे पूरी तरह से स्वीकृत किया गया भारतीय संविधान को। इस कारण से 26 जनवरी 1950 के कारण से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। किस कारण से, तो पूरी तरह से स्वीकृत किया गया था भारतीय संविधान को कब, 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये क्वेश्चन। और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप और व्यक्तिगत रूप, ये दोनों क्वेश्चन में इतने ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं आपको कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है ना। तो आज से कंफ्यूजन नहीं रहेगी। व्यक्तिगत यानी क्या, तो प्रधानमंत्री, और सामूहिक रूप से क्या, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, ठीक है। और जब व्यक्तिगत पूछे तो वो है प्रधानमंत्री के प्रति, ठीक है। अब लोकसभा में तो पूरे के पूरे आ जाएंगे ना, व्यक्तिगत तो हुआ नहीं ना, प्रधानमंत्री तो एक ही होंगे ना, इस कारण से व्यक्तिगत रूप से कहा जा सकता है मंत्रिपरिषद को, ठीक है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री के प्रति। मेरे ख्याल से आप दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज अब नहीं रह पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये हमें बताना पड़ा, इस कारण से कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम हॉल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन चारों का चारों आपको पूछा जाता है, एक लास्ट वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पांचों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है किसके प्रति, तो वो भी कहेंगे क्या, लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा के प्रति यानी सामूहिक रूप से भी, और लोकसभा जो है प्रति क्या, तो संघीय परिषद अपने आचरण के लिए भी उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति, तो वो है विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिमंडल, जी हाँ, राज्य के किसी स्टेट की मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, जो कि हमने लोकसभा पढ़ा था, केंद्र में बात किया था मंत्रिपरिषद का, ठीक है। मंत्रिमंडल यानी राज्य के मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, तो विधानसभा के प्रति। तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में बहुत आनंद आया होगा। सो अगर ऐसा बात है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज दोस्तों, और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।